हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 7 ऑफ अ मोशन चैप्टर। ठीक है, आज क्या देखने वाले हैं, एक नई टर्म और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि क्या है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा है हमारा आज का टॉपिक? इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इससे पहले बच्चों हम क्या कर चुके हैं, 5 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। 5 फिजिकल क्वांटिटीज जो थी वो कौन सी थी? सबसे पहले हमने डिस्कस की है डिस्टेंस, दूसरी हमने डिस्कस की है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड हमने डिस्कस की है स्पीड, फोर्थ वन हमने डिस्कस की है वेलोसिटी, एंड लास्ट वन हमने डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर में कौन सी है, वो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के 2 टाइप्स, एक देखा था एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक था नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सारी की सारी जो टर्म्स है, ये जो सारी की फिजिकल क्वांटिटीज है, आपको अच्छे से कंसेप्चुअल लर्न होनी चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, इजीली न्यूमेरिकल क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें अगर किसी को डाउट है तो क्या करना है, मुझे कॉल करना है और जो आपका डाउट है वो क्या करना है, क्लियर करवा के लेना है। ठीक है, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पर भी मुझे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, अदरवाइज कोई फिजिकल क्वांटिटी समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को। ठीक है, तो देखो आज क्या देखने वाले हैं, हम इक्वेशन देखने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या बता रहा है, किसके लिए, यहाँ पे हेडिंग ही दिया हुआ है कि वो किसके लिए है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। मैं एक्सेलरेशन को प्रीवियस लेक्चर में क्या कर चुका हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो एक बार नहीं समझ में आया तो प्रीवियस लेक्चर क्या करना है, एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, इक्वेशन किसके लिए है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। और ये जो इक्वेशंस है, कितने इक्वेशंस होते हैं, 3 इक्वेशंस होते हैं, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जब हम न्यूमेरिकल लेंगे बच्चों तो आपको समझ में आएगा कि ये तीनों की तीनों इक्वेशंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इक्वेशंस क्या होते हैं, यहाँ पे साइड में मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहला इक्वेशन v = u + at, दूसरा इक्वेशन है हमारा s = ut + 1/2 at² और थर्ड इक्वेशन है हमारा v² = u² + 2as। ठीक है, और हमारे जो इक्वेशंस हैं ये भी क्या बताते हैं, ये जो फास्ट फिजिकल क्वांटिटीज है यहाँ पे, ठीक है, उसका क्या बताते हैं, रिलेशंस बताते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कितनी है, तीनों इक्वेशन मिला के 5 ही फिजिकल क्वांटिटीज है, और ये जो इक्वेशंस है वो क्या करते हैं, इन 5 फिजिकल क्वांटिटीज का क्या बताते हैं, हमें रिलेशन बताते हैं। और आज हमें वही करना है, ये जो इक्वेशंस है उस इक्वेशंस कैसे फॉर्म होते हैं उसको डिराइव करके यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि इसी तरह से इक्वेशन बनता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि किन 5 फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन ये जो इक्वेशंस है वो क्या करते हैं, बताते हैं, उनका डिनोशन क्या है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं डिनोट करूँ तो सबको पता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, यू जो होगा, यू यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे यू क्या होगा आप लोगों का, इनिशियल वेलोसिटी। पर उसके बाद क्या है, वी क्या होता है, सबको पता है, हो गया होगा फाइनल वेलोसिटी। अदरवाइज मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी था कि ध्यान रखने में आपको कैसे आसानी रखनी है। देखो यू क्या है, इनिशियल, और यू एक्चुअल में ही वी के क्या आता है, पहले आता है, तो यू क्या हो गया मेरी इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद जो टर्म है, इसकी थर्ड टर्म है कौन सी है, ए। ए क्या होता है, हम किससे क्या डिनोट करते हैं, ए से एक्सेलरेशन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यस नाम की एक टर्म आ रही है, यस यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखना है, डिस्टेंस अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखो कुछ न्यूमेरिकल में बार बार बता रहा हूँ कि कुछ न्यूमेरिकल्स में क्या दे होंगे, वेलोसिटी दी होगी, अदरवाइज स्पीड भी बोला होगा, तभी आपको क्या लेना है, वो यू लेना है, वी लेना है, और यहाँ पे डिस्टेंस दिया, डिस्प्लेसमेंट भी दिया, तो आपको क्या लेना है, यस लेना है। उसके बाद लास्ट फिजिकल क्वांटिटी इसमें 5th नंबर की, वो कौन सी है, टाइम। ठीक है, जो टाइम लगेगा हमारे प्रोसेस के लिए, टाइम टेकर, तो वो क्या है, टी। ये क्या है, 5 फिजिकल क्वांटिटीज है, इनका जो रिलेशन है कौन बताता है, ये इक्वेशन जो है हमारे, वो इक्वेशन क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, अदरवाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन क्या करेंगे, हम एक एक इक्वेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हमारे सिलेबस में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है कि ग्राफ हम क्या करने वाले हैं, उन्हें प्रूव करने वाले, अदरवाइज डिराइव करने वाले, लेकिन हम क्या करने वाले, पहले थ्योरेटिकली क्या करते हैं, विदाउट ग्राफ क्या करते हैं, उसको डिराइव करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहला मैंने लिया, क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट इक्वेशन, शॉर्टकट लिख रहा हूं, आपको शॉर्टकट नहीं लिखना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन,
शॉर्टकट लिख रहा हूँ बच्चों, आपको शॉर्टकट नहीं लिखना है, ठीक है, पूरा लिखना है डिटेल में जितना है। और मैं बार बार बता रहा हूँ आपको प्रॉपर तरीके से आपकी नोटबुक क्या करनी है, फिजिक्स न्यूमेरिकल्स अदरवाइज फिजिक्स के जो हेडिंग्स है, जो टॉपिक्स है, उसको क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, फर्स्ट इक्वेशन मुझे पता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन आता कैसा है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैंने क्या कर लिया, एक बॉडी कंसिडर कर ली, क्या कर ली, एक बॉडी कंसिडर कर ली, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने क्या कर ली, एक बॉडी कंसिडर कर ली, देखो यहाँ से मैंने ए बॉडी कंसिडर कर ली, ठीक है, वो ए बॉडी का क्या हो गई, यहाँ से लेके ए से लेके क्या हो गई बी तक क्या हो गई चली गई, बराबर है। अब क्या कर ली, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली गई, ठीक है, अदरवाइज मैंने ऐसे पकड़ ली, समझो कार पकड़ ली, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर ली, एक कार पकड़ ली है, ठीक है बच्चों, और ये जो कार है, ये कार क्या हो गई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या हो गई चली गई। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने ये कंडीशन क्या कर ली है, एज्यूम की है, क्या की है, एज्यूम। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कंसिडर, मैंने क्या कंसिडर किया, देखो बच्चों कंसिडर, मैं एक ही बार लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बाकी ये दो इक्वेशंस है उसमें भी सिमिलर टाइप की थ्योरी आपको क्या करनी है, लिखनी है, ठीक है। देखो कंसिडर, क्या कंसिडर किया, बॉडी, अदरवाइज तो कार, मैं यहाँ पे कार नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कार निकाला हुआ, मैं बॉडी बोल रहा हूँ, कंसिडर अ बॉडी, क्या कंसिडर अ बॉडी, ठीक है, क्या किया है, कंसिडर किया, कंसिडर अ बॉडी हैविंग, क्या है इसके पास, हैविंग, हैविंग मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसकी क्या होगी, यू क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो कि क्या होगी, जा रही होगी, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो क्या हो जाएगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, बराबर है। अब मुझे पता है अगर यू है और यू है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी रहा होगा, बराबर है, कुछ एक्सेलरेशन रहा होगा। अब यहाँ से यहाँ पे वो डिस्टेंस क्या कर रही होगी, ट्रैवल कर रही होगी, बराबर है, ये यहाँ से क्या हो गया होगा, यहाँ तक जाने का क्या हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया, और इस प्रोसेस को, सारी प्रोसेस को क्या लग रहा होगा, कुछ टाइम लग रहा होगा, तो उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटेंस के फॉर्म में क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। देखो कंसिडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू, क्या है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी यू, एंड फाइनल वेलोसिटी, उसके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी ए कितनी, वी विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है, क्या विथ, किसके साथ, विथ एक्सेलरेशन, शॉर्टकट लिख रहा हूं आपको, फुल फॉर्म लिखना है, एक्सेलरेशन विथ एक्सेलरेशन ए, ठीक है। क्या बोला, देखो कल एक बॉडी कंसीडर की, उसके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है जिसको किससे डिनोट किया गया है, यू से, एंड क्या है, फाइनल वेलोसिटी कुछ है जिसको किससे डिनोट किया गया, वी से, विद एक्सेलरेशन ए, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हुआ होगा, विद एक्सेलरेशन ए, विद सॉरी इनर टाइम, क्योंकि अभी यहां पे यस का कुछ फॉर्म नहीं है तो मैं यस को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ क्या हुआ होगा, इनर टाइम टी, इनर टाइम टी सेकंड, बराबर है, मैंने टी लिख दिया शॉर्टकट। देखो अब मतलब मैंने जो लिखा, अब मैंने कंसीडर क्या किया, देखो एक बॉडी है जिसके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, वो क्या चल रही है, विद एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ चल रही है, इनर टाइम टी, मतलब कोई इतने टी टाइम में क्या हो रही है, वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन के साथ यहां से लेके यहां तक क्या हो रही है, कुछ डिस्टेंस क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ये हो गया मेरा थ्योरेटिकल पार्ट, एक सेंटेंस, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मुझे पता है, वी नो दैट, ठीक है। अब क्या है, सब लोगों को पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है क्या, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्या पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी, बराबर है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट, अपॉन टाइम टेकन, जितना उसको टाइम लगा होगा, ठीक है, उतना। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, देखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन t, देखो बराबर है, उसी के आसपास आ रहे हैं। देखो अब इस a t को इस साइड में लेके गया तो क्या हो जाएगा, a t इक्वल टू v माइनस u, अब क्या u को इस साइड में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस a t, और यही क्या है मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो v इक्वल टू u प्लस a t, जो मुझे चाहिए था वही क्या हो गया, मुझे मिल गया बच्चों। देखो तो ये क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें क्या रहेगा, आप लोगों को यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज है, फोर क्वांटिटीज, इसमें से क्या रहेगी, तीन गिवन रहेगी और एक आपको क्या रहेगी होगी,
पूछी होगी, फाइंड करने को बोली होगी, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इक्वेशन लगाना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें वैल्यूज डालनी है, बराबर है, और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, डिराइव हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन कैसा आता है। देखो सेकंड इक्वेशन ये मिटा रहा हूं, डायरेक्ट डिराइव करके देखेंगे, ठीक है। देखो थर्ड इक्वेशन के सेकंड इक्वेशन क्या कर रहा है, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं सेकंड, शॉर्ट में लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। देखो क्या कह रहा है सेकंड इक्वेशन, बराबर है। अब देखो फिर से आपको क्या करना है, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा का पूरा यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है जैसे का वैसा, ठीक है। कंसीडर बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v विद एक्सेलरेशन a, विद सम डिस्टेंस s इन अ टाइम t, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर से यहाँ पे हमें पता है, मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से लिखूंगा, ठीक है। ये सारा का सारा पार्ट क्या है, आपको सेकंड में भी सिमिलर कॉपी करना है और थर्ड में भी क्या करना है, सिमिलर कॉपी करना है। मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख रहा हूँ वी नो दैट से, ठीक है। अब देखो वी नो दैट यहाँ से लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली वी नो दैट, बराबर स्टूडेंट। देखो आप वी नो दैट मुझे पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वेलोसिटी के वक्त, कौन सा, एवरेज वेलोसिटी का, कौन सा, एवरेज वेलोसिटी का। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी, यू प्लस वी डिवाइड बाय टू, ठीक है। ये क्या था, एवरेज वेलोसिटी का क्या था, फॉर्मूला था। इसमें एवरेज वेलोसिटी में जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसको भी कोई डिफिकल्टी आ रही है, लेक्चर प्रीवियस जो लेक्चर है वो आपको देखने हैं, और देखने बाद अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो मुझे कॉल करना है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का ये हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला हमें पता है, ऑल्सो वी नो, हमें पता है क्या है, इसे मैं इक्वेशन नंबर वन दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ वी लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो वी नो दैट, अब बराबर है। देखो अब क्या है, यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो ठीक है, यहाँ पे एवरेज ये समझना है, ठीक है। शॉर्टकट लिखा है मैंने वी। अब देखो वी नो दैट हमें पता है क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है सब लोगों को, बराबर है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अदरवाइज टाइम, बराबर है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अदरवाइज डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुछ भी लेना है, अगर कुछ भी रहा तो क्या करना है आप लोगों को, सेम क्या करना है वहां पे यूटिलाइज करना है। देखो यहाँ हो गया वेलोसिटी, मुझे क्या निकालना है सेकंड इक्वेशन, मुझे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे पास वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी, और टाइम तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहा हूँ, डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ना यूज करके क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस टर्म यूज कर रहा हूँ बच्चों। देखो तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, क्या बोला, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, बराबर है। अब देखो ये हो गया मेरा इक्वेशन। अब जो है मेरे पास वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, देखो डिस्टेंस को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, मैंने पहले बोला था यस से, किससे डिनोट किया है मैंने यहाँ पे, फाइव जो लिखी थी, क्या लिखी थी, फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें क्या था, यस क्या था, डिस्टेंस था, यहाँ पे डी से नहीं, यस से डिस्टेंस क्या किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। वेलोसिटी क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो यू प्लस वी डिवाइड बाय टू इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय टी, किससे डिनोट किया गया, वन से, टी सॉरी टी से। ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन, बराबर है। अब देखो बच्चों ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन, लेकिन मुझे और एक बात बता है, कौन सी, जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन आया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या कह रहा है, v की वैल्यू मुझे कुछ दे रहा है, वो क्या है, u plus at, वो क्या है, u plus at। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, वही वैल्यू क्या करूंगा, पुट करूंगा v equal to, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, v equal to u plus at, ऐसा नहीं, देखो पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन इक्वेशन टू, बराबर है। अब क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन जो है आप लोगों का, वो क्या कर रहा हूं, इस सेकंड इक्वेशन में क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे लिखना है कि फर्स्ट इक्वेशन ये है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जगह कम, हमें क्या होगी, जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेप क्या किया, हाइड कर दिया, ठीक है। देखो अब क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है इक्वेशन क्या है, v equal to u plus at, ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे v की वैल्यू पता है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये स्टार्ट कर, देखो यस जैसे का वैसा, अब क्या है, u बराबर है, प्लस v की जगह मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे क्या है, देखो
यू प्लस ए टी, मतलब मैं क्या डालने वाला हूँ यहाँ पे यू प्लस ए टी बराबर है, और टोटल क्या है इसको डिवाइड बाय टू, और इसको फिर से टोटली मल्टीप्लाई बाय क्या है टी बराबर है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस वैसे का वैसा बराबर, यस मतलब क्या है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यू प्लस यू मतलब क्या हो गया ट्वाइस यू, क्या हो गया ट्वाइस यू प्लस उसके बाद क्या बचा ए टी डिवाइड बाय क्या टू मल्टीप्लाई क्या है हमारा टी बराबर है। उसके बाद फिर से अगर इसे सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा यस इक्वल टू, इसको अगर इसको भी दूंगा टू इसको भी जाएगा, टू इसको भी जाएगा बराबर है, और जो टी है उसको क्या करना पड़ेगा कॉमन क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करेगा, मतलब क्या हो जाएगा टू यू टी, पहले कॉमन कर देता हूँ टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर डिवाइड बाय टू बराबर है। अब देखो टू इसको चला जाएगा, टू इसको चला जाएगा, यस इक्वल टू क्या हो जाएगा यार इसको टू चला जाएगा तो टू क्या क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ठीक है, मतलब क्या बचेगा यू टी प्लस इसका हो गया बच गया वन हाफ प्लस ए टी स्क्वायर ठीक है, और यही क्या है मेरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, यही क्या है मेरा सेकंड इक्वेशन ऑफ क्या है मोशन है स्टूडेंट्स। देखो इस तरह से क्या हो गया सेकंड इक्वेशन हमारा क्या आ गया मोशन का आ गया, जो कि क्या है यस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है, यस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स अब हमने क्या कर चुके हैं दो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर चुके हैं डिराइव कर चुके हैं ठीक है, अब क्या करेंगे जो थर्ड इक्वेशन है हमारा मोशन का वो क्या करेंगे डिराइव करेंगे ठीक है। हाँ चलो देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है, क्या देख चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था यार इस कोने में लिख रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन आया था यू प्लस सॉरी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे हमारा है सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है यस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है। अब जो मैंने पहले बताया था जो स्क्रीन शॉट लेके आप लोगों को यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे थ्री लिखी थी उस थ्री को फिर से क्या करना है आप लोगों को कंटिन्यू करना है, जो थ्री क्या थी फिर से एक बार बता रहा हूँ, कंसिडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी यू विथ सॉरी इनिशियल वेलोसिटी यू एंड फाइनल वेलोसिटी वी विथ एक्सेलरेशन ए इन अ टाइम टी ठीक है। तो मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ हिंदी में बताने की, एक बॉडी है जो क्या कर रही है इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ चल रही है एंड फाइनल वेलोसिटी वी के साथ भी चल रही है विथ एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन के साथ ए के साथ और वो क्या कर रही है यस डिस्टेंस क्या कर रही है ट्रैवल कर रही है इन अ टाइम टी ठीक है, जो डायग्राम निकाली थी प्रीवियस जो मिटाया मैंने उसमें ठीक है। अब उसको क्या करने वाला हूँ फिर से मैं कहाँ से लिखने वाला हूँ वी नो डैट से ठीक है, आपको प्रीवियसली जो है उसको क्या करना है थ्योरी को क्या करना है कंटिन्यू करना है ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ फिर से क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ वी नो दैट ठीक है। अब वी नो दैट हो गया तो देखो सबसे पहले मुझे पता है जो हमारा इक्वेशन होता है बराबर है, इक्वेशन कौन सा है हमारा सिंपल फर्स्ट इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर इसे ही मैं क्या करूं जैसा अगर मैं इसको फॉर्म में लेके आ रहा हूं ठीक है, इसे फॉर्म में अगर लेके आऊं तो मैं क्या कर सकता हूं यहां भी इसकी क्या कर सकता हूं वैल्यू लिख सकता हूं बराबर है, जैसे कि क्या कर सकता हूं देखो टी को टी की वैल्यू मुझे अगर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा वी माइनस यू अपॉन ए, मतलब क्या होगी मेरा टी की वैल्यू बराबर है, ये क्या होगी मेरी टी की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर ली मैंने टी की वैल्यू निकाल ली बराबर है। टी की वैल्यू कैसे निकाली देखो यहाँ पे यू को इस साइड में ले जाया क्या हो गया माइनस हो गया और ए को इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो टी की वैल्यू क्या होगी वी माइनस यू अपॉन ए बराबर, ये क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन हो गया मेरा सोल्यूशन का ठीक है। अब मैं सेकेंडली क्या करूंगा मुझे पता है क्या है मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है कौन सा ये, यहाँ पे आपको लिखना था वी नो दैट क्या लिखना था ऐसा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे एक लाइन और चेंज होनी चाहिए थी कौन सी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बराबर, बाद में ये लिखना था आप लोगों को जो मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ से क्या कर रही मैंने टी की वैल्यू निकाली, फिर से क्या यहाँ पे लिखना है आप लोगों को वी नो दैट ठीक है, फिर से हमें पता है क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है, हमें क्या पता है बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है क्या है हमारे पास क्या है यस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर राइट, जो कि कहा है वो यहाँ पे हमने डिराइव करके दिखाया, ये है मेरा सेकंड इक्वेशन ठीक है। अब मुझे क्या करना है
जो वैल्यू लानी है, जो थर्ड इक्वेशन लाना है, उसमें मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू मतलब टी की वैल्यू, वो क्या करूंगा, पुट करूंगा इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, तो क्या करता हूं, लिखता हूं यहां पे, मतलब क्या करने वाला हूं, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, टी की वैल्यू क्या करूंगा इनडायरेक्टली इक्वेशन टू में क्या करने वाला हूं, पुट करने वाला हूं। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, पुट करके देखते हैं। देखो यस इक्वल टू यू, यू जैसे का वैसा, यहाँ पे टी है तो टी की वैल्यू मेरे पास है, कौन सी है, वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, देखो उसके बाद क्या है, कौन सा साइन है, प्लस, फिर से वन हाफ, बाद में ए। ठीक है, उसके बाद टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर मतलब वी माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यू वी माइनस यू स्क्वायर बराबर है अपॉन ए, बराबर है, ये हो गया मेरा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड वन हाफ, अब इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, देखो अब इसको मल्टीप्लाई करूं तो पहले इसको ही कर लेता हूं। देखो मतलब ए वैसा का वैसा रखा मैंने, पहले क्या कर दिया, एक कॉमन स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर लिया, ऐसा लिख लिया v माइनस u का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या कर लिया मैंने, उसे सॉल्व कर लिया, मतलब जो स्क्वायर था ऊपर वाले को दे दिया न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, सेपरेट दे दिया। ठीक है, अब वही यहां पे लिख रहा हूं, वहां पे जगह कम पड़ गई, तो देखो हाँ, तो देखो कहां पे गया, यहां पे। ठीक है, क्या मिल गया मुझे अभी, u into v minus u square upon a plus one half a in square bracket v minus u का square upon a का square। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो फिर से सॉल्व करने की अगर कोशिश करते हैं तो क्या क्या लिखने वाला हूं मैं, डायरेक्टली यहां पे लिखने वाला हूं, इसे भी मिटा रहा हूं। ठीक है, देखो क्या आएगा हमारा, देखो क्या है, v u v जैसा था वैसा, माइनस u square जैसा है वैसा, ठीक है, अपॉन ए जैसा है वैसा। ठीक है, फिर क्या है, प्लस वन हाफ ए वैसा का वैसा। ठीक है, देखो अब क्या है, यहाँ पे फिर से सिमिलर स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूं, मतलब आपको यहाँ पे विजिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, देखो यू स्क्वायर है, सॉरी क्या आ रहा है, वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसी यहाँ की स्टेप है। देखो यही स्टेप मैंने यहाँ पे लिखी आपको समझने के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, क्या कर लिए, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए जैसा था वैसा ही रख दिया, प्लस वन अपॉन टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, देखो v माइनस यू का स्क्वायर, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। देखो बच्चों a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकता हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है सब लोगों को पता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे क्या है, यू वी है, तो वही फॉर्मूला क्या करेंगे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया, न्यूमरेटर में देखते हैं क्या होने वाला है, फर्स्ट यू स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू वी बराबर है प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, उसके बाद नीचे क्या है, ए स्क्वायर कॉमन जैसा का वैसा। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, फिर से देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो a है और ये जो a है वो क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब क्या बचा, देखो u v माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस ये जो दो है, मैं ये दो यहाँ पे लेके जा रहा हूँ a के पास। देखो मतलब क्या बच रहा है यहाँ पे, v स्क्वायर माइनस ट्वाइस u v प्लस u का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a। ठीक है बच्चों, ये बच गया। देखो अब क्या है, फिर से डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली एडिशन कर सकता हूँ। तो इसको क्या कर दूंगा, टू से ये जो टर्म है इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसे टू है, यहाँ पे टू है, तो इसे भी क्या करूंगा, टू ए बनाऊंगा। क्या करूंगा, इसको ये वाली जो टर्म है उसको क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यू स्क्वायर बराबर है, नीचे हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस ये टर्म वैसी की वैसी, वी स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू वी प्लस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए। अब क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, सेम,
तो ऊपर वाले की क्या कर दे रहा हूँ, डायरेक्टली एडिशन हो जाएगी। मतलब क्या, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ट्वाइस यू वी माइनस ट्वाइस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू वी प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला इक्वेशन। नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, कॉमन हो जाएगा 2v। बराबर है, ये सारा का सारा किस लिए चल रहा है, देखो ये क्या है हमारा यस। ठीक है, इस साइड में क्या है, ये तो लिखना ही भूल गए। देखो ये क्या है हमारा डिस्टेंस, यस है ये। बराबर है, यस इक्वल टू चल रहा है सारा का सारा खेल। तो देखो अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या कैंसिल होता है, देखो प्लस माइनस ये हो गया कैंसिल। बराबर है, उसके बाद क्या, प्लस माइनस एक कैंसिल, इसमें का दो है टू यू स्क्वायर, तो यहाँ पे का एक यू स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, सॉरी टू मतलब बचेगा यहाँ पे यू स्क्वायर, मतलब क्या होने वाला, माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए इक्वल टू यस। ये क्या हो गया, यस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो ये जो ट्वाइस ए है इस तरफ लेके आऊंगा, तो इस तरफ आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए यस इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, हम मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। बराबर है, अब क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, किसकी वैल्यू चाहिए होगी, v की, ऑलवेज v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू चाहिए, तो u को क्या करूंगा, इस तरफ लेके आऊंगा, इस तरफ लेके आया तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए यस। और यही क्या है मेरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही क्या है बच्चों स्टूडेंट्स, ये क्या है मेरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो कुछ नहीं, सारे के सारे जो इक्वेशन है बहुत आसान है डिराइव करने के लिए। और आपको कुछ क्या करना है, देखो ये थर्ड वाला आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन कुछ भी नहीं किया, इसमें क्या किया है, देखो सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन यूज किया, फर्स्ट इक्वेशन में से क्या किया, टी की वैल्यू निकाल दी, और टी की वैल्यू सेकंड जो इक्वेशन है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें क्या कर दी, पुट कर दी। उसके बाद उसमें वैल्यू डालने के बाद तो यहाँ पे सिर्फ क्या किया, एक फॉर्मूला यूज किया, कौन सा, ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और उसको अगर सॉल्व करें सिस्टमेटिकली तो क्या आ जाएगा, आपका इजीली क्या आने वाला है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से क्या हो गया, हमने तीन मोशन देखे बराबर है लेक्चर में अब तक। तो क्या हो गया, तीनों के तीनों लेक्चर आपको क्या होने चाहिए, नींद में से भी उठो तो आपको क्या होने चाहिए, बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, क्योंकि सारे के सारे न्यूमेरिकल जो मिलेंगे आपको इन्हीं, ये जो तीन जो हमारे इक्वेशन है मोशन के, उसी के ऊपर क्या मिलेंगे, डिपेंडेंट मिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, एक एक न्यूमेरिकल क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू।